Today, I talked to guitar virtuoso Vikas Ahmed. Listen as we talk about his inspirations, the guitar as an instrument, including its equipment, tone, the Pakistani metal scene, his different bands, and of course, his debut album, Doomsday Astronaut, and much more. Let's put Vikas under the magnifying glass. Assalamu alaikum. Today, guys, we are with Vikas Ahmed, the virtuoso guitarist, and today we will talk about his various bands, his guitar work, and the guitaring instrument in general as well. How are you today, Vikas? I'm very well, thank you. My first question to you is, how did you get into guitars, and what were your inspirations and the guitarist you looked up to? Yeah, basically, जब मैं छोटा था तो आई वॉज नॉट समबडी जो कि म्यूजिक वगैरह बहुत ज्यादा सुनता था, ठीक है ना. मतलब वैसे ही बस आमतौर पर जो टीवी पे कुछ चल गया या फिर कहीं कुछ सुन लिया तो सुन लिया, वरना कोई शौक नहीं था. जैसे यू नो अस एज म्यूजिक फैंस, अब हम ढूंढते हैं नया म्यूजिक और सुनते हैं बैठ के म्यूजिक, कोई चक्कर नहीं था पहले ना. मतलब बस ये था, वीडियो गेम्स खेलनी है और बस क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है, बस दैट वाज द थिंग. तो ये होता था कि जो गेम्स वगैरह मैं खेलता था ना, उसके अंदर बड़ा होता था ये रॉक टाइप का म्यूजिक ना, बड़ा उसमें गिटार शिटार बजा होता था. वो मुझे जब मैं गेम खेल रहा होता था तब बड़ा मजा आ रहा होता था, गेम के साथ टैंडम में चल रही होती थी ना दोनों चीजें, तो मजे का लगता था. लेकिन उस वक्त पता ही नहीं था कि गिटार बज रहा है या क्या है, कोई आइडिया नहीं था, बस अच्छा लग रहा है, गेम गेम के साथ जा रहा है, बेस्ट है, सेट है सीन. तो वो एक दिन बस ये हुआ कि मेरी जो वालदा थी उन्होंने मुझे रेकमेंड किया एक दिन कि ना गर्मियों की छुट्टियों में कुछ और करके देख लो, मतलब हर दफा फुटबॉल हर दफा क्रिकेट खेलनी होती है तुमने, इस दफा कुछ और करके देख लो, ट्राई प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट, कोई गिटार वगैरह ट्राई करके देख लो. तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब गिटार मैं क्या बजाऊंगा, लेकिन फिर खरीद लिया एक सस्ता सा बेकार सा अकूस्टिक गिटार था वो खरीद लिया. तो फिर कुछ एक दो बैंड्स डिस्कवर किए, ब्लैक सैबथ सुना पहली बार, मेटालिका सुना, तो उस वक्त फिर ध्यान में ये आया कि ना ये जैसा ये बजा रहे हैं ना अपने गाने में, बस मैंने इस तरह की चीज कोई बस मुझे बजानी आ जाना तो दैट वुड बी आइडियल हो जाएगा, बड़ा सही हो जाएगा. तो बस वो फिर ब्लैक सैबथ से मेटालिका पे चला गया, वहां से मेगाडेथ पे चला गया, फिर जो सैट्रेनी मिल गया, फिर स्टीव वाई मिल गया, फिर जो जॉन पेट्रुची भी मिल गया, यंगवे मॉम्सी मिल गया, वो एक रैबिट होल. हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज, रैबिट होल. मतलब एक चीज लगती है फिर बस वहां से, फिर डेथ मेटल भी सुनना शुरू कर दिया, फिर प्रोग्रेसिव मेटल भी सुनना शुरू कर दिया. तो बस वो दिन था और आज का दिन है, बस लगे हुए. ठीक है. मैंने केन का गाना कोरस पसंद आया था, क्योंकि वाज कैची. तो आई जस्ट वांटेड टू नो डार्क, आपने मेंशन किया केन तो मुझे याद नहीं था कि बाद में जब मैंने सर्च किया तो मुझे याद आया कि वाकई मैंने सुना हुआ है. तो आई वांट टू नो द प्रोसेस, द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ हाउ डर वाज मेड. डर बेसिकली was pretty much my song. वो मतलब उसमें किसी की अक्सर कोई इनपुट नहीं थी उसका, म्यूजिक भी मैंने बनाया, उसकी वोकल मेलोडीज भी मैंने बनाई थी, उसकी अरेंजमेंट, उसके लिरिक्स भी मैंने लिखे थे सारा कुछ. उस वक्त केन असल में went through quite a few lineup changes. अंडरग्राउंड सीन में केन अच्छा, it did pretty well actually, एक टाइम पे बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन lineup changes काफी हुए थे केन में. We had our original singer, his name was Khizr. वो उसके साथ जब हम थे तो केन वाज गोइंग रियली गुड, फिर खिजर हैड टू लीव द कंट्री, वो गया, फिर उसके बाद वी हैड अनदर सिंगर कम इन, वो भी गया, फिर उसके बाद ये जो डर आपने सुना है वो दैट वाज आवर थर्ड सिंगर, हिज नेम वाज उमर बेसिकली. तो वो नया इंक्लूजन हुआ था उसका बैंड के अंदर, एंड मेरे पास बना पड़ा हुआ था ये गाना. सो मैंने उसको सुनाया, मैंने कहा ये है गाना, क्या ख्याल है करना है, उसने कहा हाँ जबरदस्त करते हैं. तो बेसिकली आई प्रीटी मच केम अप विद ऑल ऑफ द सॉन्ग, उसको फिर मैं जो पार्ट्स लिख लिए थे तो फिर जो सारा बैंड था वी जस्ट गॉट टुगेदर, एक दो दफा प्ले किया, फील आई, मजे का लगा, कहा ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं. बस इट वाज अ प्रीटी सिंपल प्रोसेस, उसमें गाने में ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं है, सिंपल गाना है. तो बस विद इन अ कपल ऑफ डेज वो तैयार था सारा कुछ. नाइस. लॉट ऑफ बैंड में लोगों से बात करते हो, कहते बस सरन भाई से बात करते हैं, हसीन का पूछ रहे हैं वन ऑफ हिज सॉन्ग यूज्ड, लाइक he made it in 2 hours and I was like, इतना इजी होता है.
I don't know. I would think it would take like weeks or something to make a song, but यार, it depends on the song. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप. वो गाने पे डिपेंड करता है बेसिकली. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डर था, डर बस ऐसे ही बैठे बैठे बन गया. वेयर एज अगर आप मेरा जो इंस्ट्रूमेंटल काम है वो देखो तो उसमें बहुत डिटेल है. उसमें बेसिकली पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने गाने वगैरह. उसमें बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बाद में डिस्कस करेंगे जब आप आओगे उसके ऊपर. लेकिन गाने पर डिपेंड करता है, प्योरली गाने पर डिपेंड करता है. कुछ गाने होते हैं वो खुद ही बन जाते हैं, आपको ज्यादा एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती. आप शुरू करते हो बनाना, वो बस खुद ही विद इन 6-7 आवर सारा कुछ हो जाता है, सब अरेंज भी हो जाता है, सब हो जाता है. यू नो कुछ गाने होते हैं आप बैठे रहते हो 3-3, 4-4 हफ्ते बैठे रहते हो और वो शक्ल नहीं निकलती. इट मेक्स मी थिंक आई वांट टू आस्क, अगर वो गाना जो 6-7 आवर्स में बनना है, इज इट नेसेसरली वर्स देन द सॉन्ग व्हिच फॉर एग्जांपल योर इंस्ट्रूमेंटल वी टुक वीक्स ओवर, इज इट नेसेसरली बैड जस्ट बिकॉज़ इट टुक अ शॉर्टर टाइम टू come out? नहीं, असल में पता होता क्या, देखो असल में होता ये है कि ना जो म्यूजिक आप कर रहे होते हो ना, जिस किस्म का म्यूजिक आप कर रहे होते हो, हर म्यूजिक के ना अपने prerequisites होते हैं. ठीक है, अब जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मैं कर रहा हूँ या प्रोग्रेसिव मेटल कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल होता है और उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती है. फॉर एग्जाम्पल अक्सर होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर जाता है जो कि इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता, you know, तो आपको वो ट्रांजिशन बड़ी मैटर करती है अगर आप. और यही चीजें होती हैं विच मेक्स यू स्टैंड आउट एज अ सॉलिड परफॉर्मर और जस्ट एन एमेचर. क्योंकि गिटार प्लेइंग तो आ ही जाती है वक्त के साथ साथ, लेकिन गाने का रेंज कैसे करना सारा कुछ बड़ा मैटर करता है. अब अक्सर ये होता है कि आपको, हाँ एग्जैक्टली, तो आपको अक्सर ये फील होता है कि कभी कभी ना कि अच्छा यार मैंने दो पार्ट्स लिखे हुए और वो बड़े अच्छे हैं और बस मैं उनको साथ रख दूंगा और काम, इस तरह नहीं होता. आपको उनके बीच में कभी ब्रिज बनाना पड़ता है कोई, आपको कभी उनको बेसिकली अरेंज इस तरह से करना पड़ता है कि वो ऑड ना लगे. You have to connect them, तक ए फ्लो. हाँ, exactly. Whereas जब ये केन का जिस तरह का म्यूजिक तो बड़ा सिंपल म्यूजिक था, it's basically वही रॉक अल्टरनेटिव मेटल टाइप का म्यूजिक था, बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का म्यूजिक. एक रेफ आएगी, फिर वर्स आएगा, फिर कोरस आएगा, फिर शायद एक रेफ आ जाएगी, फिर सेकंड वर्स, सेकंड कोरस आएगा, ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, गाना खत्म हो जाएगा. बेसिक था बड़ा ना. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इस तरह इतना नहीं होता. उसमें आपको टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग प्रोग्रेसिव म्यूजिक में ना एक किस्म की एक जर्नी होती है. तो वो आप जितनी सीमलेसली आपकी ट्रांजिशन होंगी ना, गाना उतना मजे का बनेगा. वरना अक्सर आपने भी सुना होगा अंडरग्राउंड बैंड को या कुछ आप सुनते हो, आप ऑल ऑफ अ सडन आपको होता है ये अजीब सा ही क्या होगा. सो यू डोंट वांट दैट फीलिंग, यू डोंट वांट दैट फीलिंग. तो सिंस म्यूजिक टेक्निकल होता है और उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो जरा एक दूसरे से हटकर होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो माइक्रो मैनेजमेंट होती है गाने की जिसको मैं बोलता हूँ, वो वक्त ले जाती है कभी कभी. Whereas, जो सिंपलर म्यूजिक होता है, जैसे बाप ने, मैं यहाँ रोमेनिया में आई प्लेड इन अल्फा क्यू तकरीबन कोई 4 साल बजाया उनके साथ, उनके गाने भी बड़े सिंपल होते थे, इजीली बन जाते थे, कोई ज्यादा उसमें जोर लगाने की. बट माय सवाल इज, अ सिंपलर सॉन्ग आर नेसेसरली बैड सॉन्ग्स आर नॉट? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. अ सिंपलर सॉन्ग इज अ सिंपलर सॉन्ग, इट्स नॉट बेटर और वर्स. क्योंकि देखो पता है, इसकी बड़ी सिंपल सी मैं आपको एनालॉजी दे देता हूँ. किसी चीज की जब तक आपको डेफिनेशन नहीं है ना किसी चीज की, तो आप उसको फिर नहीं किसी चीज की तरह कैटेगराइज कर सकते. आपको सिंपलर म्यूजिक की डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक की डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको अच्छे म्यूजिक की डेफिनेशन नहीं मिलेगी. अच्छा म्यूजिक तो वही है जो आपको अच्छा लग जाए. ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा लग गया मुझे नहीं अच्छा लगा, या मुझे अच्छा लग गया आपको नहीं अच्छा लगा, लेकिन जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे आप माने या ना माने, वो है. Yes. तो एक सब्जेक्टिविटी और एक ऑब्जेक्टिविटी जो होती है उसमें थोड़ी सी आ जाती है. मेरा मानना यह है कि सिंपल म्यूजिक इज ग्रेट एंड सम ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आर रियली सिंपल सॉन्ग्स. ठीक है, लेकिन मेरा बेसिकली हर आर्टिस्ट का ही होता है, बल्कि मैं अपना क्या, हर आर्टिस्ट का होता है, डिपेंड्स आप कहाँ हैं अपनी जिंदगी में उस वक्त, यू नो. तो उससे आपका आर्ट बड़ा अफेक्ट करता है. और दूसरा ये कि मैं आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन और मैं सारा कुछ प्रोफेशनली करता हूँ, आई टीच गिटार फॉर अ लिविंग एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं अपना म्यूजिक आई डोंट मेक इट टू मेक मनी. मतलब श्योर yes. मेरी एल्बम अभी आई थी, आई डिड मेक मनी ऑफ ऑफ इट, इट सोल्ड, सही है, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं होता कि ये एल्बम मेरी आ रही है तो इस पे से अब मैं कैसे बनाऊँ, कोई 10 लाख रुपए कैसे बनेंगे. प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना आपकी. हाँ, और मैं, और आई हैव केप्ट दैट एक किस्म का, मैंने आई हैव केप्ट दिस वे वॉलंटियरली, क्योंकि मैं बेसिकली खुश तभी रहता हूँ जब मैं वही चीज बनाऊँ जब जो मेरे मर्जी की होती है. ठीक है ना, क्योंकि सेशन प्लेइंग मैंने की भी है. आई यूज्ड टू प्ले विद ओवरलोड, बाय द वे, शायद आपको पता ना हो उस बात का. आई प्लेड विद ओवरलोड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, आई वाज अ सेशन गिटार प्लेयर, सो जो उनका गाना होता था जैसे रिक्वायरमेंट होती थी आई वुड प्ले इट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड दैट्स फाइन. आई एंजॉयड इट, मजा आता था,
लेकिन जब मैं अपना म्यूजिक बनाता हूँ तो आई वक्त के साथ साथ आई बिकम वेरी वेरी पिकी अबाउट हाउ थिंग्स शुड साउंड. मुझे होता है कि ये बिल्कुल जब तक सही उस तरह नहीं साउंड करेगा जैसे मैं चाहता हूँ तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है ना. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर एन आर्टिस्ट इज इन हिज लाइफ उसका एक्सप्रेशन जो है वो बदलता रहता है, you know? तो मैंने सिंपलर म्यूजिक भी बनाया है अपनी जिंदगी में, हैवियर म्यूजिक भी बनाया है, लाइटर म्यूजिक भी बनाया है, कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक भी बनाया है, अब इंस्ट्रूमेंटल भी बनाना शुरू कर दिया जो 10 साल पहले बनाना. टिकिंग ऑल द बॉक्सेस. हाँ प्रीटी मच. या मतलब जो दिल किया मैंने करके देख लिया. मतलब मैंने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि मैंने बस इस तरह का म्यूजिक बनाना है उस तरह का बनाना है. अब बैंड्स की बात हो रही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ वाज इट compared to you in various bands in Pakistan versus Alpha Q in Romania, so how do the experiences differ as compared to being a band in Pakistan and band in Romania? Yaar, sabse pehle to basic baatein kar lete hain, jo matlab obvious baatein hain. Pakistani bands, chahe jitna marzi talented ho, jitna marzi acha ho, uske paas opportunities nahi hai. Matlab within Pakistan, aapke paas aisi venues hi nahi hai jahan pe aap regularly gig kar sakte ho. Matlab there's Islamabad, there's Lahore, there's Karachi. Teen to shahar hain jinme concert karne ka aap soch bhi sakte ho. Baki jo interior Sindh ke shahar hain ya fir even southern Punjab wagaira mein chote chote shahar Peshawar mein bhi nahi hai scene. Haan, exactly. Matlab you can't really afford. Wahan pe zyada koi scene nahi hai. So ek band ke liye yahan matlab agar aap band as a model dekho na, as a business model hi chalo usko dekho. To band kya hota hai? कि ठीक है हम एक प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, विच वुड बी योर सॉन्ग और योर एल्बम और योर ईपी जो भी व्हाटएवर, और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कॉन्सर्ट्स प्ले करेंगे. उससे फिर आपकी एक इंटरेक्शन होती है बेसिकली अपने फैंस के साथ. वो बड़ी बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बैंड्स को तो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती रेगुलरली. जब आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप उनके सामने प्ले करते हो, और अनफॉर्चुनेटली सिंस हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला थोड़ा रहा है कुछ साल में, मतलब अब तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, लेकिन रहा तो है ना पिछले 10-12-15 साल में, उसकी वजह से कोई बैंड्स आते भी नहीं है पाकिस्तान. तो आप मतलब ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे देखते हो बैंड्स वगैरह को. तो वो जो एक ये एक प्रोसेस होता है ना टू एक्चुअली गेट ऑन स्टेज एंड प्ले रेगुलरली, टू टूर, टू एक्चुअली प्ले विद अदर बैंड्स जो आपके शायद जॉनर से मिलते जुलते हो, या चलो अगर जॉनर से मिलते जुलते नहीं भी हैं, आपसे सीनियर हैं, एक्सपोजर होता है. हाँ एग्जैक्टली. ये चीजें जो है ना ये इससे काफी हद तक महरूम है हमारा म्यूजिक सीन, स्पेशली जो नए बैंड्स आते हैं ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक आप निकलोगे नहीं ना, आप एक्सपीरियंस ये नहीं करोगे, आप इस तरह बजाओगे नहीं, आप इस सो कॉल्ड जो रगड़ा नहीं खाओगे ना आप, तो आपको नहीं पता लगेंगी बहुत सारी चीजें घर में बैठ के. देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू. दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सिंस ऑब्वियसली एक किस्म का हर बैंड ही आता है यहाँ पे. मतलब मैंने सारे बैंड जो दुनिया के हैं मैंने देखे हैं, मतलब आयरन मेडन, मेगाडेथ, डेविन टाउनसेंड, ड्रीम थिएटर, ओपेथ, पता नहीं कौन कौन से देखे हैं, खैर नेवर माइंड. तो वो सारे आते हैं यहाँ पे. तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उन बैंड्स को अप क्लोज एंड पर्सनल देखती है. मेटल इज बिग इन यूरोप एज वेल, इवन एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. इट कैन बी, मतलब इट्स एज बिग एज इट कैन बी, मतलब आप ये कह लो, क्योंकि इट्स नॉट एज बिग एज इट यूज्ड टू बी कहीं भी दुनिया में. पहले वाली बात तो नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी यार, मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, बैंड्स आते हैं, वेन्यूज हैं, मतलब पब्स वगैरह हैं. हर जगह नहीं है बहुत अच्छे पब्स, मतलब इट्स नॉट जर्मनी, लेट्स पुट इट दैट वे, लेकिन फिर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके. अगर आप इफ यू हैव अ बैंड, आपके पास कहीं बजाने की जगह है, वो सारी जो है आपके पास पाकिस्तान में नहीं है, आपके पास वो बहुत मैटर करता है. और दूसरा ये है कि व्हेन इट कम्स टू द टैलेंट पूल दुनिया में हर जगह होता है. मतलब आप पाकिस्तान में बैठ जाएं, आप रोमानिया में बैठ जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, आप पावें अफ्रीका चले जाएं, टैलेंटेड म्यूजिशियन या टैलेंटेड आर्टिस्ट तो कहीं भी पैदा हो सकता है, उसकी कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है. लेकिन बस ये है कि जहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पर टैलेंट थोड़ा जो है वो होन हो जाता है, थोड़ा निखार आ जाता है उसमें. जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता वहाँ पर बस स्ट्रगल होती है, और थोड़ी देर बाद आप फ्रस्ट्रेट होकर कहते हो यार पता करो बस कुछ और करते हैं. ये बहुत सारे म्यूजिशियंस में पाकिस्तान में ये मसला हुआ है. और दूसरी बात मैंने अल्फा क्यू की करनी थी कि जो बैंड्स इन पाकिस्तान उनके वोकल जो मैं सुना था थोड़े हार्शर अग्रेसिव वोकल्स थे, और अल्फा क्यू में दिस द वोकलिस्ट वाज वेरी क्लीन साउंडिंग विद हाई नोट्स. तो हाउ डिड द गिटार अप्रोच डिफर ड्यू टू द वोकलिस्ट और नॉट?
सबसे पहली बात तो जो आप वोकल्स का कह रहे हो ना, अल्फा क्यू मैंने बनाया ही इसलिए था क्योंकि इट सीम्ड इंटरेस्टिंग कि एक बड़ी साफ और क्लीन वॉइस है, ठीक है. सो इट वाज लाइक मजे का कॉम्बिनेशन बन सकता है. और उसका ये बना कि देयर इज दिस यू नो फेस्टिवल इन रोमानिया, पोसाडा रॉक होता है उसका नाम, और उसमें एक बैटल ऑफ द बैंड्स होता है जो कि काफी प्रेस्टिजियस होता है. वो अल्फा क्यू से जीता भी था हम लोगों ने 2018 में. तो वो इसीलिए जीता था क्योंकि एवरीबॉडी found us to be different from the rest of the bands. Unko tha ki ye zara different hai. Waise agar globally dekha jaye to music koi bahut zyada matlab itna koi different nahi tha. Baki is tarah ka music aur jagah bhi banta hai. Lekin compared to jahan main hoon aur jis tarah ke bands aam taur pe aa rahe hain metal genre mein, unke liye aise different tha, you know. To pehli cheez to ye. Dusra guitar ke liye aise ye hota hai ki Alpha Q was intentionally a vocal oriented band, theek hai na. तो मैं हमेशा मेरी कोशिश ये होती थी कि गाने उस तरह के बने जिसमें वोकल अच्छे लगे, यू नो. आप अगर आप हाँ आप उस तरह का आप अल्फा क्यू अगर सुनोगे तो आपको छः चार चार मिनट के सोलोज नहीं सुनाई देंगे उसमें. इनफैक्ट एक दो गानों में तो सोलो है ही नहीं ऑल टुगेदर. तो वो एक होता है कि आपको जब आप एक बैंड या एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना तो आप में इतनी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और आपने उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है. That was a good thing and that was in a way thoda restrictive bhi tha, lekin it wasn't anybody's fault kyunki it was my idea all along. Maine hi kaha tha ki yaar is tarah hona chahiye sound. Lekin phir ye hai ki I kind of started to get bored waqt ke sath sath aur mujhe bada sakht instrumental music banane ka jo hai wo junoon chadha tha aista. So din mein yaar 24 ghante hi hote hain, ab alpha q bhi karu main, bachchon ko guitar bhi sikhaun, घर में भी टाइम गुजारूं और फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी बनाऊं, 24 घंटे में तो नहीं हो सकता सब कुछ. इस मौजू पे थोड़ा फाइन सवाल ये कि व्हाई इज एन हैवी म्यूजिक वाइडली एक्सेप्टेड इन पाकिस्तान एज इट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक फॉर एग्जांपल टका टका है मेनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग थिंग. फर्स्ट टाइम में कोई मेटल रॉक फिर चलो मेनस्ट्रीम लेवल पे आ चुका है पाकिस्तान, लेकिन मेटल नहीं आया. व्हाई डू थिंक दैट इज? इसकी बड़ी सिंपल सी एक रीजन है और वो ये है कि मेटल दुनिया में कहीं भी मेनस्ट्रीम नहीं है बाय द वे, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान में वो भी ज्यादा ज्यादा भी है तो ये क्यों? आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में असल में ना दुनिया में अगर आप जाते हो जहाँ पे अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ बाय द वे, उसमें ये है कि एक मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री होती है और उसके साथ साथ कुछ एक पैरेलल इंडस्ट्री भी होती है, ठीक है ना. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका चले जाओ तो ठीक है एक मेनस्ट्रीम है, बिल्कुल है, और बहुत बड़ी मेनस्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री है उनकी, लेकिन साथ में एक अंडरग्राउंड सीन भी होता है जो कि एक प्रॉपर म्यूजिक सीन होता है. इट्स लाइक अ काउंटर म्यूजिक सीन, अ पैरेलल म्यूजिक सीन. हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो मेनस्ट्रीम म्यूजिक सीन है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. लाइक ये जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन जिसको कहा जाता है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान में. लोग जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इट्स नॉट रियली अ थिंग. कोई कॉन्सर्ट्स रेगुलरली नहीं होते, देर आर नो मेजर वेन्यूज जहाँ पे इस तरह के कॉन्सर्ट्स हों कि दो बैंड मिलकर प्ले कर रहे हैं, तीन बैंड मिलकर प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. ज्यादातर जो पाकिस्तान में म्यूजिक बनता है वो कॉर्पोरेट बैक्ड म्यूजिक ही बन रहा है आजकल. मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, लेकिन वो ही बन रहा है. और मसला ये है कि जब भी आप कोई चीज बनाते हो, कोई गाना बनाते हो ना, आर्टिस्ट का प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होता है? आर्टिस्ट का प्राइमरी प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जितने प्लेटफॉर्म्स आपके पास है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया ना, ये एल्गोरिथम्स वगैरह चल पड़े यहाँ पे. इट्स नॉट दैट ईजी. पहले होता था 2006 में 2005 में कि आपने एक चीज डाली और वो ओवरनाइट एक सेंसेशन बन गया और चल पड़ा. आप मुझे बता दें कोई गाना पाकिस्तानी इस तरह से चला हो पिछले कोई 15 साल में 10 साल में, बता दें आप. नहीं, तजदारे हरम हुआ है ना? क्या तजदारे हरम? नहीं, तजदारे हरम तो भाई पहली बात तो ये है, वो आतिफ असलम का गाना है. वो उसको छोड़, आप अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में तो नहीं, ठीक है ना. लाइक फॉर एग्जांपल, चलो सारा कुछ छोड़ दो, आप जब आतिफ असलम पहली बार आए थे, जब जल आया था आदत के साथ, देयर नोबडी, कोई नहीं जानता था जल को, ठीक है ना. लेकिन इंटरनेट से ओवरनाइट सीन ऑन हो गया. मुझे बता दें आप कोई बैंड जिसका इस तरह से सीन ऑन हुआ पिछले, अब तो नहीं है सीन, अंडरग्राउंड से सीन नहीं आ रहा. एग्जैक्टली, वो इसीलिए. इनफैक्ट आप ये देख लो कि ये जैसे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स होता है, ठीक है,
इसके भी जो विनर्स वगैरह होते हैं वो कोई दे डोंट जस्ट टेक द नेशन बाय स्टॉर्म और समथिंग ऐसी ऐसा कोई सीन नहीं होता. मुश्किल है, अनफॉर्चुनेट सैचुरेशन ज्यादा है, सैचुरेशन भी ज्यादा है, मुश्किल है. ठीक है ना. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो मेटल की आप बात कर रहे थे, जो मेजर एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री आपकी, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास. ठीक है ना, जो कि आर्टिस्ट को पुश करे या आर्टिस्ट उससे एक किस्म का बेनिफिट हासिल करें. टूरिंग होती नहीं है पाकिस्तान में, फ्रॉम व्हाट आई नो, आई माइट बी रॉन्ग. मैं बाय द वे ये नहीं क्लेम कर रहा कि मेरी बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो लेसर नोन बैंड है उनके लिए प्रॉपर पीआर एजेंसी भी आपको शायद ना, मेरे ख्याल से, बल्कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि पीआर का काम क्या है. ठीक है. और अनफॉर्चुनेटली 98% ऑफ द आर्टिस्ट वो बेचारे अपनी पीआर खुद ही करते होते. मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना, उन्होंने खुद ही अपना म्यूजिक अपलोड करना है, उन्होंने खुद ही जो है वो लोगों को ईमेलें करनी है कि भाईजान हमारा म्यूजिक सुनने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं. तो बहुत मुश्किल है. दूसरी चीज ये है कि ये बात शायद मेरी बुरी लगे मेरे फेलो रॉक और मेटल वाले भाइयों को, लेकिन मेटल म्यूजिक की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पाकिस्तान में. और वैन ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है वो इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने डेमोग्राफिक भी तो देखना है ना भाई. आप देख लो मतलब कितने लोग हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं पाकिस्तान में, पहली बात. और फिर उनमें से आप ये देख लो कि कितने लोग हैं जिनको ये एक्सपोजर है कि भाई अच्छा ये रॉक होता है, ये मेटल होता है, ये डेथ मेटल होता है. नहीं है. ठीक है. तो ये एज विद एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूजिक एक्सप्रेशन होता है बेसिकली. ठीक है ना, अपने आपको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है. तो ये बेसिकली एक थर्ड हैंड सेकेंड हैंड तरीका है एक्सप्रेस करने का अपने आपको, जो वेस्टर्न है बेसिकली. ठीक है ना. तो सिंस उसकी कल्चरल और सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं है, तो उसी वजह से इसका एक किस्म का जो इम्पैक्ट है वो भी बड़ा डाइल्यूटेड सा है. मैं इसका बाय द वे मैं नहीं चाहता कि मेरी बात मिसअंडरस्टैंड की जाए. इसका ये मतलब नहीं है कि आप बजाना छोड़ दें मेटल. भाई मैं भी मेटल ही बजाता हूँ, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जो हमारी हमारा जो अपना जो व्हाट वी आर एज पीपल, मेटल हमारा नहीं है. ठीक है ना. एक वजह तो ये है, मतलब आप किसी को भी यार अपने कभी अब्बू को या अम्मी को कभी अपना म्यूजिक सुनाओ ना मेटल, वो तुम्हें बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है इसके बारे में. I've been through that. हाँ, एंड भाई उनका कसूर भी नहीं है ना, क्योंकि देखो आप मतलब मैं तुम्हें अगर फ्रेंच में एक गाना भेज दूं तो यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स सेइंग. आप फ्रेंच नहीं बोलते इसी तरह से, वो मेटल नहीं बोलते. तो हाँ, तो इट्स ओके, ये होता है दुनिया में, हर जगह होता है. लाइक जब तक आप एक काउंटर पैरेलल म्यूजिक सीन थोड़ा सा नहीं परवान चढ़ेगा ना, तो इसी तरह से थोड़ा स्ट्रगल बनाएगा आपके अंदर. अब आप देखो ना, आप कैसे कम्पीट करोगे यार, मतलब ये इतने ज्यादा फाइनेंशियली स्टैक्ड किस्म के ये शोज आ रहे हैं आजकल, इनके पास बहुत पैसा होता है यार अपनी पीआर पे लगाने के लिए, अपनी मार्केटिंग पे लगाने के लिए. So let's move on to Waqas Ahmed, the musician now and guitarist. मैंने इंस्ट्रूमेंटल से पहले ये पूछना है कि हैव यू एवर कंसिडर्ड प्लेइंग अदर गिटार टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लासिकल, नाइलॉन, यूकेलेली, बेस, कभी इनमें ध्यान गया? यार बेस तो एक्चुअली मैंने बजाई भी है, ओरायन के एल्बम में बेस मैंने बजाई हुई है, ओडिसी की पहली एल्बम में बेस मैंने बजाई हुई है, अल्फा क्यू के गानों में भी एक गाने में बेस मैंने बजाई हुई है मजबूरन. यूकेलेली का शौक नहीं है, लेकिन क्लासिकल गिटार या थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करता हूँ उसके साथ एवरी नाउ एंड देन. मुझे असल में शौक है ये बास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, जैसे रबाब है या जैसे वो तुर्कों का होता है साज बोलते हैं उसको, सतरंगी या फिर वो जापानीज सारंग, तो लेकिन बो से प्ले होती है ना बेसिकली, वो एक डिफरेंट जोन में निकल जाती है गेम उसकी. या फिर जैसे वो जापानीज का शामी सेन होता है जिस तरह के ना, मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं. या जैसे बैंजो है इवन फॉर एग्जाम्पल, हाँ उस टाइप की जो लिक्स होती है ना कंट्री टाइप की, वो मैं गिटार पे तो बड़ी मैंने सीखी नहीं है, वो मैंने बड़ी मैं बजाता हूँ शौक पड़े, लेकिन कभी मौका नहीं मिला. बट अगर कभी मौका मिला तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई देम, क्योंकि महंगे होते हैं सारे, हैंडक्राफ्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सो दे आर एक्सपेंसिव. डू यू नोइंग हाउ टू प्ले गिटार वुड हेल्प यू इन अदर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और नॉट, डू यू थिंक? आई'ड लाइक टू बिलीव सो, या क्योंकि बेसिकली
जो बेसिक अप्रोच है इंस्ट्रूमेंट्स की वो तो यही है ना कि एक फ्रेटिंग हैंड है आपका और एक आपका पिकिंग हैंड है. तो मैकेनिक्स तो वही है, लेकिन आपने जैसे देखा होगा रबाब प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो जिस तरह से रबाब की बॉडी की वजह से उनकी जो रिस्ट होती है बड़ी सामने को निकली होती है, यू नो, उस तरह करके बजाते हैं. जिस तरह हम मेटल और रॉक वगैरह में जिस तरह हम श्रेडिंग वगैरह करते हैं तो हमारी रिस्ट बड़ी लॉक्ड होती है, ठीक है ना. वो लेकिन छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, आई गेस वो विद टाइम आप कर सकते हो. मेरी फॉर एग्जांपल जहाँ तक मेरी अपनी टेक्निक की बात है ना, मेरी टेक्निक भी डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम प्लेइंग वेरी करती है. कभी कभी मेरा हाथ जो है मैं उसको एंकर कर लेता हूँ, कभी कभी मैं फ्लोट कर रहा होता है हाथ, कभी कभी मेरी पिक थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हुई होती है, कभी ऐसे टिल्ट हुई होती है, डिपेंडिंग ऑन मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ वेरी करता है. Fair enough. तो ये बताएं कि do you think learning technical based stuff or like scales or harmonies and arpeggios, are these things important to be a good guitarist or musician or not? Again, ना फिर वही बात आ गई ना, good का word जब आ जाता है ना तो बात बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि good की हाँ क्योंकि good की definition नहीं है ना. क्योंकि मैं अपने अंदर चाहे जितना मर्जी बड़ा गिटार प्लेयर बनता फिरूं, मुझे कोई भी उठ के कह सकता है यार तेरा म्यूजिक नहीं अच्छा लगता, ठीक है ना, खत्म हो गई बात. क्या गुड खत्म हो गई बात वहीं की. मतलब मैं तो बहुत छोटा म्यूजिशियन हूँ, आप जॉन पेट्रुची को देख लो, इंग्वे को देख लो, सैट्रानी को देख लो, उनको कह देते हैं लोग में तो फील ही नहीं है. मतलब आप अपनी औकात देखें और आप किसको क्या बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कह देते हैं और उनका हक है, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता भाई. तो गुड तो बड़ा डेंजरस वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन ये मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको सबसे पहले ना ये देख लेना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना. इफ यू वांट टू मेक सॉन्ग्स एंड हार्टफेल्ट सॉन्ग्स, सॉन्ग्स दैट हैव फीलिंग एंड सॉन्ग्स व्हिच हैव अ मैसेज, यू डोंट नेसेसरली नीड टू बी अ फिनोमिनल टेक्निकल गिटार प्लेयर. इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं तारीख के अंदर. आप कर्ट कोबेन को देख लो, कर्ट कोबेन वॉज अ वेरी एवरेज गिटार प्लेयर, लाइक वेरी वेरी एवरेज गिटार प्लेयर. उससे बेहतर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको उनसे ज्यादा बहुत बेहतर बजाना आता है. लेकिन कर्ट कोबेन डिडंट नीड ऑल दैट फ्लैशी गिटार प्लेइंग, उसको जरूरत नहीं थी. वो चार कॉर्ड्स पकड़ता था, एक आइडिया खूबसूरती से लिखता था, उसके लव्स लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, उसकी मेलोडी जो है वो लोगों को अच्छी लगती थी. निर्वाणा किधर से किधर पहुंच गया. तो इट रियली डिपेंड्स व्हाट यू वांट, आप करना क्या चाहते हो. आपने कभी कुछ और कंसीडर किया प्लेइंग करना, लाइक ब्लूज और जैज और कंट्री इवन और स्टफ लाइक दैट? यार हाँ, ये अच्छा सवाल है. एक्चुअली मैं बहुत सारे जॉनर्स के साथ पंगे लेता हूँ और बजाता हूँ. ब्लूज बहुत ज्यादा बजाता हूँ और जैज भी मैंने टू सम बेसिक लेवल सीखा था, क्योंकि मैं फ्यूजन प्ले करता हूँ. जैसे फ्यूजन गिटार, जैसे ना ग्रेग हाउट टाइप की थोड़ी सी. Like in Blue Lemonade we saw a bit like that. Blue Lemonade को fusion नहीं कहेंगे. Blue Lemonade उसकी जो lead guitar playing है वो essentially rock है, ठीक है. लेकिन जो उसकी वो पहली वाली riff है वो थोड़ी सी neo soul type की है. Soul, neo soul type का उसका touch है. और जो backing उसका है वो for the large part it's kind of R&B थोड़ा सा है, उस type का है, थोड़ा सा lo-fi, थोड़ा सा उस तरह का उसकी feel है. लेकिन fusion playing वगैरह जो है वो मैंने, मुझे शौक है उसको और मैं करता हूँ. लेकिन और इस पर बड़े सारे मेरे दोस्त कहते भी हैं यार कोई फ्यूजन एल्बम निकाल दू, बस मेटल कर रहा है. मतलब पहली बात तो ये है, मुझे मेटल अच्छा लगता है पहली चीज. और दूसरी चीज ये है कि फ्यूजन म्यूजिक करने के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ये है कि फ्यूजन म्यूजिक जो होता है ना वो बेस्ट तब निकलता है अगर आपके पास जरा पाए के म्यूजिशियंस हों और आप उनके साथ ना एक किस्म का कमरे में बंद होकर ना कोई 3-4 घंटे जैम करो. क्योंकि फ्यूजन म्यूजिक तब बेस्ट साउंड करता है जब वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो, उसमें थोड़ी सी एक इम्प्रोवाइजेशनल फीलिंग भी आ रही हो. और वो तब होता है जब म्यूजिक म्यूजिशियंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं. वेयर एज मेटल बिल्कुल ऑपोजिट होता है. मेटल बहुत ज्यादा नपतुला म्यूजिक होता है, मतलब मोस्ट ऑफ इट, कि भाई हर किसी को पता होता है यहाँ पे फिर ये पार्ट आएगा, फिर ये वाला पार्ट आएगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा. लाइक जैसे WWE नहीं होती, पूरी कोरियोग्राफ होती है. बिल्कुल उसी तरह होता है मेटल, लाइक हर चीज पता होती है आपको. फ्यूजन में लिटरली 4 मिनट का गाना 8 मिनट का गाना बन सकता है. तो जैसे हमारे यहाँ ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक होता है या कव्वाली होती है जैसे, फॉर एग्जांपल, वो इट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर. तो फ्यूजन में भी ऐसे ही होता है. तो आपने बेसिकली, यू बेसिकली प्ले विद ईच अदर. लाइक ड्रमर का कोई आइडिया आपको फील हुआ, वहाँ पे आपने उस पर बिल्ड करना शुरू कर दिया रियल टाइम. ड्रमर को फील हुआ कि यार बेस प्लेयर का कोई ग्रूव है, वो वहाँ पे कुछ गाने को बिल्कुल कहीं और ले जाएगा, आप सारे आपस में कहीं और निकल जाओगे. वो एनवायरनमेंट जब तक नहीं होगी ना, मेरे ख्याल से मैं फ्यूजन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फ्यूजन.
घर में बजाने के लिए जो मर्जी करता रहा, लेकिन एल्बम बनाने के लिए ना जरा उस तरह की एनवायरमेंट हो फिर मजा आएगा। और दूसरी चीज एक ये है जो कि मेरे ख्याल से कुछ लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जब आप एज अ म्यूजिशियन अपने आप को रखते हो ना लोगों के सामने, तो यू शुडंट डू सो मेनी थिंग्स कि लोग बेसिकली कहें कि यार हमें पता ही नहीं है ये करता क्या है। आपकी कोई एक चीज आपकी आइडेंटिटी में होनी चाहिए, जो आप आपका नाम आए ना तो लोग कहेंगे या दैट गाय, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर मेटालिका का नाम आता है, ठीक है, तो यू विल नॉट एसोसिएट मेटालिका विद माइकल जैक्सन। के हाँ उन्होंने वो माइकल जैक्सन जैसा गाना भी बनाया था, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। मेटालिका ने मेटल में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है उनके साउंड में, कहीं कहीं वो दे वर वेरी हैवी ब्लैक एल्बम से पहले तो काफी उनके वो थ्रैश वाली साइड पे थे, फिर वो हैवी मेटल की तरफ आ गए, अब वो वापस चले गए हैं थ्रैश मेटल की तरफ जो लास्ट एल्बम आई थी। लेकिन वही जोन है मेटालिका, किसी भी दिन जो है ना वो एक ब्लूज बैंड या एक फ्यूजन बैंड नहीं बन जाएगा ऑल ऑफ अ सडन। तो आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बाज लोग होते हैं जो कि मतलब एक्सेप्शन टू द रूल होते हैं, वो हर चीज के साथ पंगा लेते हैं, लेकिन वो हर चीज के साथ पंगा लेके भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर लेते हैं। और जितने भी बैंड्स मेरे ख्याल से या आर्टिस्ट है ना जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है ना, उनके पास लॉन्जेविटी रही है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है। आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गियर, फॉर एग्जांपल योर एम्पलीफायर, योर कैबिनेट्स, और ये सारी चीजें, ये चीजें बहुत आर दे इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टैंड आउट एज अ गिटारिस्ट, एंड पेडल्स एंड स्टफ, तो यूनिक होने या अलग होने चीजें, इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती? सच्ची बात तो ये है यार, जितना मर्जी इक्विपमेंट हो अगर आपको बजाना नहीं आता तो आप नहीं बजा सकते, सिंपल सी बात है। सो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहता हूँ कि भाईजान नया गिटार बाद में ले लेना, पहले सीख लो, ठीक है। तो वो उसकी तो कोई जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ, उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आपने गिटार आपको नहीं बजाना आता तो आप जिस मर्जी ऐप में लगा लें, बकवास ही साउंड करेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस कर गई हुई है, काफी ज्यादा एडवांस कर गई हुई है, तो बहुत सारी चीजें जो एक टाइम पे एनालॉग हुआ करती थी अब उनके डिजिटल सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, और वो बहुत अच्छा साउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि मैसाबुगी का आप एक एम्पलीफायर लोगे, डुअल रेक्टिफायर, फिर एक कैबिनेट लोगे मैसाबुगी की 4x12, फिर आप एक अच्छा पेडल बोर्ड लोगे, करते कराते आपको लग जाएंगे $5,000-6,000, जो कि काफी अच्छे पैसे होते हैं बाय द वे। उसका सारे का सब्स्टिट्यूशन ये आ गया है कि आप एक VST डाउनलोड कर लो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, वो आपको एक अच्छा साउंड दे देगा, या आजकल के एफएक्स प्रोसेसर जो नए जनरेशन के बहुत अच्छे साउंडिंग है, आपके पास कैम्पर आ गया है, हीलिक्स आ गया है, एक्स एफएक्स आ गया है। तो जो एक एनालॉग ओल्ड स्कूल सेटअप था वो काफी हद तक उसकी इंपॉर्टेंस अब कम हो गई है। ऑब्सोलीट तो काफी स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, ऑब्सोलीट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी भी बिकती हैं वो चीजें, लेकिन अब एक अच्छी साउंड एक नॉर्मल इंसान की रीच से उतनी बाहर नहीं है जितनी 20 साल पहले थी, आई थिंक, ठीक है ना। क्योंकि अब आप बड़ी बड़े सारी बहुत सारी जुगाड़ अब आपके पास अवेलेबल है, आप बड़ा कुछ कर सकते हो अब, तो ये तो आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। दूसरी जहां तक बात रही प्रेफरेंस की, कुछ लोग अभी भी कहते हैं जी एम्प जो मतलब ठीक है, उन्हें लगता है सही है। मैं पर्सनली आई एम डिजिटल 100% एंड मेरा मतलब मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वैसे इन वे आई हैव बीन डिजिटल फॉरएवर। अच्छा, विद ऑल योर बैंड्स टू आई वाज मैट यार, मैं देखो सबसे मैं बेसिकली ना मैं जो हूं ना मैं बेसिकली फीजिबिलिटी वाला बंदा हूं, ठीक है। जब कोई काम करते हैं ना तो आई नीड टू मेक श्योर कि ये डूएबल भी है कि नहीं, सही है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता एक एम्पलीफायर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, बट बिकॉज मैं एक छोटे अपार्टमेंट में रहता हूँ, और राइटफुली सो क्योंकि हम दो लोग रहते हैं इस अपार्टमेंट में, तो मतलब मैं यहाँ पे एक एम्प ला के रख दूँ मतलब मैं पागल हूँ, और वो एम्प तो उसकी इतनी ऊंची आवाज होगी मुझे सारे नेबर्स निकलवा देंगे। लेकिन चलो मान लिया मेरे नेबरहुड में भी कोई नहीं है, सारा मैं सुनसान में रहता हूँ, उस एम्प को सही तरह रिकॉर्ड करना वुड बी अ रियल पेन। उसको आप एक अच्छे उसको एक अच्छा रूम चाहिए होता है, ऐसी थोड़ी है कि एक अच्छा एम्प ला के आप उसके सामने कोई भी बोंगा सा माइक रख दें चल जाएगा। तो फीजिबिलिटी बड़ी मैटर करती है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से ये जो नए प्रोसेसर वगैरह आ गए, मेरे पास 9-6 हीलिक्स है, साउंड ग्रेट, और मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, इन अ वे कर भी रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं जब भी कोई कॉन्सर्ट पे करके हटता हूँ
तो मुझसे हमेशा लोग आगे पूछते हैं कौन सा एम्प प्ले करते हैं यार, ये आपका टोन बहुत अच्छा था. मैंने ये कहता यार हिलिक्स था भाई, कोई टुपो एम्प नहीं. वो मानते ही नहीं बात, नहीं नहीं हिलिक्स कैसे हो सकता है. मैंने कहा भाई मैं कहता तो नहीं हूँ लेकिन मेरे दिल में बात यही आती है कि यार तो बजाना अगर आपको थोड़ा सा आता तो फिर ये चीजें सेकेंडरी होती है. क्योंकि एक डिसेंट टोन हो आपके पास और आपकी प्लेइंग अगर सॉलिड है तो इट विल साउंड गुड. टोन की आप बात कर रहे थे, मैं एक पाकिस्तान बैंड में बात कर रहा था, उनका गिटार एले रॉक में जो होते थे साद बिन सलीम, ही रेज अ गुड पॉइंट. आई थॉट ही सेड के आई लाइक देयर टोन हिज गिटार. तो मैंने पूछा था कि गिटार डू यू कम अप विद, ही सेड के गिटार टोन इज द डेवलपमेंट ऑफ द गिटार, एज यू गो प्रोग्रेस गेट बेटर आपकी टोन खुद ब खुद डेवलप साथ में हो रही होती है. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? और do you think tone is that important, and especially distorted tones? I think aajkal distorted tones ke bahut similar ho gayi hain, so is it important to stand out with your distorted tone? And also this also goes on to the next about your album, what type of tones have you used on your album as well? Yaar ye bahut acha question hai, actually I'm surprised ki bada acha question hai. यार ये जो टाइम है ना जिसमें अब हम जिंदा है, ठीक है, ये पर्सनालिटी वाला तो टाइम ही नहीं है. ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, मेरा चैलेंज है मैं आपको 15 गिटार प्लेयर सुनाऊंगा, ठीक है, फिर उसी के बाद मैं आपको एक और वीडियो उन 15 गिटार प्लेयर की सुनाऊंगा. आई डेयर यू कि यू शुड टेल देम अपार्ट कि किस कौन से वाले टोन से कौन है. नहीं, exactly. नहीं है. उसकी वजह पता क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम मटेरियल. ठीक है ना, सबसे पहली चीज तो ये है, वही प्रोसेसर मेरे पास भी है आपके पास भी है, वही आइबनेस का गिटार या जैक्सन के गिटार मेरे पास भी है आपके पास भी है, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ प्लेइंग द सेम स्टफ. ये जितने भी टेक्निकली एडवांस्ड गिटार प्लेयर्स हैं, मैं फैन हूँ, मैं देखता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ सबकी प्लेइंग को, लेकिन उनका जो एक किस्म का एम होता है ना, वो बेसिकली यही होता है कि दे जस्ट शो ऑफ देयर टेक्निक. Which is great, by the way. मैं भी यही करता हूँ most of the time. लेकिन जब आप गाने बनाते हो ना, तो I think it's very important कि आप कोई ऐसी melodies play करो जो सबसे पहले तो लोगों को याद रहे, जो melody आप अपने मुंह से गा सको. ठीक है, उसका एक फायदा तो ये होता है कि आपके गाने में थोड़ी रिकॉल वैल्यू आ जाती है कि लोगों को याद रहती है कि क्या कोई कोई चीज थी हमने सुनी थी. दूसरी चीज ये होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि दो लोग एक ही कॉर्ड प्रोग्रेशन पे एक ही जैसी मेलेडी कंपोज करेंगे. वेरा जब आप तेज बजा रहे होते हो, आप श्रेडिंग कर रहे होते हो, टैपिंग पिकिंग वगैरह कर रहे होते हो ना, उतनी स्पीड पे हर चीज एक जैसी ही साउंड करती है. तो अगर आप सिर्फ वही कर रहे हो तो आप में और दूसरे वाले बंदे में तो कोई फर्क ही नहीं आना कभी भी. तो आई थिंक एक ये चीज है कि यू नीड टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर योरसेल्फ एज अ म्यूजिशियन, ताकि आप अपने आपको थोड़ा एक्सप्रेस करो. जब आप अपने आपको सही मायनों में एक्सप्रेस करोगे तो आप दूसरे से वैसे ही स्टैंड आउट करोगे. जहां तक बात आती है टोन की, टोन का यही है यार कि अब सारों के पास वही हैक्स है ना, मतलब न्यूरल डीएसपी का प्लगइन डाउनलोड कर लिया या लाइन 6 हेलिक्स चला लिया या एक्सएफएक्स चला लिया, तो गियर सारा वही है, रनिंग में वही गियर है सारा. दैट्स अनदर रीजन व्हाई इट साउंड्स वेरी सिमिलर. और जहां तक बात है इंपॉर्टेंस ऑफ टोन, देखो अच्छी टोन तो बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रो रेकॉर्ड. अगर आपने एक अच्छा साउंडिंग रिकॉर्ड बनाना है जो लोग प्रोफेशनल, तो अच्छा टोन तो बहुत जरूरी है. ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रहे थे, आपको वो साद ने जो बात कही थी, सही बात कही है उसने कि आपका टोन इवेंचुअली जैसा आपकी प्लेइंग अच्छी होती जाती है, आपके हाथ से भी टोन आना शुरू हो जाता है. सही बात है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन है. ठीक है ना, अगर मैं आपको एक बिल्कुल थका हुआ एम्पलीफायर दे दूंगा ना, आपकी प्लेइंग देख के पता तो लग जाएगा कि आप अच्छा बजाते हो, लेकिन उससे वो बात तो नहीं आएगी अगर आप रिकॉर्ड करोगे. तो 100% ऑफ द टोन इज नॉट इन द गिटार प्लेयर, बिग चंक ऑफ इट इज, जैसा आप कह रहे हो फॉर्मूला वन में भी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को जो है वो सुजुकी मेहरान पकड़ा दूंगा तो माइकल शूमाकर रेस तो नहीं जीतेगा ना यार. मतलब आई एम श्योर वो मुझसे बहुत अच्छी चला लेगा स्टिल, लेकिन लेकिन यू नो यू वोंट बी एबल टू कम्पीट एट दैट लेवल. तो ये थोड़ा मैटर करता है यार, ये कह देना कि वो नहीं जी टोन तो सिर्फ गिटार प्लेयर से आता है. हाँ कुछ हद तक आपकी बात सही है, लेकिन किसी वजह से जो सारी ये
आर्टिस्ट जो आप सुनते हो अपना जो गियर यूज करते हैं किसी वजह से स्पेसिफिक गियर यूज करते हैं ना, उनको तो फिर चाहिए कि कोई भी $500 का $400 का छोटा सा बेबी एम्प ले लें और उसके अंदर जाके बजा लें। लेकिन वो क्यों लेते हैं स्पेसिफिक, क्यों स्पेसिफिक गिटार्स प्ले करते हैं, उसकी कोई तो वजह होती है ना। Doomsday Astronaut पे आते हैं तो speaking of tone, you used a variety of tones like Blue Lemonade की tone बिल्कुल अलग थी for as a song as Doomsday Astronaut for example, so आपको बहुत experimentation करनी पड़ी थी कुछ। I think मेरा opinion instrumental में I think tone is even more important than a vocal oriented album के अगर आप tone अगर same sound के तो whole album will sound the same। तो आपके लिए ये चैलेंज था? हाँ था थोड़ा सा टू सम डिग्री, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि जो रिदम गिटार पार्ट्स होते हैं रिफ्स वगैरह होती हैं उनकी एक सेपरेट टोन होती है, लीड गिटार पार्ट्स जो होते हैं उनकी एक सेपरेट टोन होती है, जो जरा थोड़ी मेलोडिक लीड्स होती हैं उनकी एक सेपरेट टोन होती है, या फिर जो क्लीन गिटार होता है वो तो खैर क्लीन गिटार डिस्टॉर्टेड नहीं है तो उसकी एक सेपरेट टोन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्लू लेमनेड जो है ना सारे का सारा, उसमें जो इवन डिस्टॉर्टेड गिटार भी बजा हुआ है उसकी भी एक डिफरेंट टोन है ऑल टुगेदर बाकी एल्बम्स से। तो वो इट्स इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब जैसे कोई सोलो है मेरा जिसमें मैंने काफ़ी सारा तेज बजाना है और स्वीपिंग करनी है और पता नहीं क्या क्या करना है, उसका टोन मैं शायद थोड़ा डिफरेंट रखूंगा कंपेयर टू अ पार्ट जो मैंने थोड़ा मेलोडिक प्ले करना है, क्योंकि जब आप थोड़ा मेलोडिक प्ले करते हो तो यू कैन नॉट गो टू ओवरबोर्ड विद द डिस्टॉर्शन गेन वगैरह बहुत ज़्यादा, क्योंकि गिटार पर रिस्पॉन्सिव नहीं रहता उतना, जो आपकी डिटेल्स होती हैं जो डायनामिक्स होते हैं हाथ के वो आना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है हर चीज। सो आई कांट अफोर्ड दैट जब मैं मेलोडी प्ले कर रहा होता हूँ। और फिर ये होता है एक और चीज होती है कि ये बाय द वे जो मैं चीज बताने लगा ये बहुत ट्रिकी होती है, क्योंकि जब आप घर में बैठ के बजा रहे होते हो ना तो आपको लग रहा होता है सब बड़ा सही है और होता भी है, लेकिन जब आप उसे रिकॉर्ड करते हो ना तो चीज बदल जाती है। उसकी वजह ये है कि जब आप गाना रिकॉर्ड करते हो ना तो एक टाइम पे चार कोई ट्रैक बैक टू बैक बज रहे होते हैं ऊपर नीचे, सो देयर बेसिकली फोर टेक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, वो एक टाइम पे प्ले हो रही होती है। So, जितना डिस्टॉर्शन आपकी टोन में होता है ना जब आप घर में बैठ के बजा रहे हो तो इट्स ऑल मल्टीप्लाइड बाय 4। तो वो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपने कितनी यूज करनी है, क्योंकि कभी कभी आप घर में बैठ के ऐसे बजा रहे होते हो एम्पलीफायर पे आपको लग रहा होता है कि यार टोन बड़ा वीक आ रहा है मेरा, लेकिन जब आप उसे रिकॉर्ड करते हो और चार गिटार ऊपर नीचे प्ले करते हैं तो इट साउंड्स लाइक अ गॉडज़िला जैसी साउंड आ रही होती है। तो वो देखना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ता है, जब आप थोड़ा सा काम करना आपका एक फ्लो बन जाता है, वर्क फ्लो बन जाता है, फिर आपको वैसे ही पता होता है कि यार नहीं ये ज्यादा है, मुझे पता है मैंने पिछले गाने में किया था, मुझे पता है, तजर्बा आ जाता है आपको। तो यही होता है लीड गिटार में मैं हमेशा थोड़ी जरा गेन ज्यादा रखता हूँ हल्की सी, मतलब कंपेयर टू रिदम टोन्स, रिदम टोन्स में मेरा गेन बहुत थोड़ा होता है, गेन बीइंग डिस्टॉर्टेड टाइम्स 4 हो जाता है इसलिए, ठीक है एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये कि जब ये एक बाय द वे एक और चीज है जो नए यंग गिटार प्लेयर्स हैं उनके लिए छोटी सी मैं उनको एक ये गिफ्ट दे सकता हूँ, उनको लगता होगा कि जितनी डिस्टॉर्शन आप डालोगे यू विल साउंड हेवियर ज्यादा। आई थिंक द सेम थिंग। हाँ नहीं एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट बेसिकली, क्योंकि जो हैवीनेस होती है ना बेसिकली हैवीनेस वो बेसिकली मिक्स में पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स की कोहेसिवनेस से आती है। आप जितनी मर्जी डिस्टॉर्शन लगाओ अगर आप सारी चीजें साथ में जेल नहीं हुई ना तो आप हैवी नहीं जानते। उसमें बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके अंदर जो है बेसिकली अगर आपकी गिटार में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है तो आपका टोन एक्चुअली उससे छोटा हो जाता है, उससे और ज्यादा खुलता नहीं है, क्योंकि डिस्टॉर्शन भी जो है ना आपके टोन को सैचुरेट करती है। yes. ठीक है, तो उससे छोटा हो जाता है आपका साउंड एज अपोज टू के वो बड़ा मैसिव साउंड अगर आपको चाहिए। ठीक है, ये पता है Doomsday Astronaut का मतलब क्या है? Does this actually have a meaning? यार हाँ, मतलब उसका ये है कि ना मैं पहली बात तो ये है कॉन्सेप्ट एल्बम नहीं है। ठीक है, जो नाम है एल्बम का इज जस्ट द नेम ऑफ वन ऑफ माय सॉन्ग्स, तो मैंने कहा ये नाम अच्छा है, गाना अच्छा है तो बस इसके नाम पर रख कोई और इस, लेकिन उस गाने की अपनी एक स्टोरी वो ये है कि Doomsday Astronaut मैंने एक मेरा असल में अप्रोच ये होता है मैं जब भी कोई गाना इंस्ट्रूमेंटल बनाता हूँ तो पहले तो यही होता था कि पुरानी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 7-8 साल पहले आई वाज जस्ट सेट एंड आई वाज जस्ट कीप प्लेइंग और कोई अच्छी चीज बन जाती थी तो आई जस्ट मेक दैट सॉन्ग। अब मैं इस तरह नहीं करता, अब बेसिकली आई हैव अ बिट ऑफ अ स्टोरी, 4 लाइन होगी 5 लाइन होगी छोटी सी, मैं ना एक छोटा सा एक कहानी लिख लेता हूँ और उसको बेसिकली फिर गाने के अंदर ना एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। उससे ये होता है कि आपके गाने के अंदर जो है ना एक इमोशनल आ जाती है,
और उसके अलावा आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है जिससे आपको पता लग जाता है कि ये पार्ट बिलोंग करता है कि नहीं करता. क्योंकि जब मुझे ये फीलिंग आती है ना कि यार ये पार्ट बिलोंग करता है कि नहीं करता, मैं गाने का कॉन्सेप्ट स्टोरी देखता हूँ कि इस स्टोरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये जो मैंने बनाया है. अगर कर रहा है तो ठीक है चलने दो, अगर नहीं है तो फिर कुछ और बनाऊ, ठीक है ना. तो डूम्स एस्ट्रोनॉट जो गाना है उसकी अपनी स्टोरी इस तरह की है कि मैं वो मार्वल और इस तरह के बहुत फैन हूँ मैं कॉमिक्स वगैरह, एवेंजर्स सारा कुछ ही मार्वल का, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन सारा कुछ ही. तो मेरे जहन में एक आइडिया है कि वो जैसे फैंटास्टिक फोर में होता था एक गैलेक्टस होता था एक बंदा ना, वो एक बड़ा सा होता था, वो जाता था प्लैनेट्स कंज्यूम करता था, पूरे के पूरे प्लैनेट्स कंज्यूम करता था. उसी की बेसिकली मेरे जहन में एक आया कि इमेजिन करो कि कोई चीज है, कोई एक बीइंग है, वो ऐसे फ्लोट करती फिर रही है स्पेस में, और वो जो है बेसिकली सिर्फ जाके प्लैनेट्स कंज्यूम कर रही है. तो बेसिकली मुझे जो है वो ख्याल आया कि हाँ ये सही है. फिर अब क्योंकि ये ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कोई चीज है वो प्लैनेट्स कंज्यूम कर रही है, एंड ऑफ स्टोरी. इस तरह अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो तो उसमें बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं. क्योंकि इमेजिन करो स्पेस है, ठीक है, और उसमें एक आइसोलेटेड चीज जा रही है, तो उसमें एक लोनलीनेस का भी एक एस्पेक्ट एलिमेंट है. हाँ, अगर कोई प्लैनेट कंज्यूम कर रहा है पूरे का पूरा जिसमें करोड़ों लोग जिंदा है, तो उसमें एक तबाही का एलिमेंट भी आ जाता है, एक खौफ का भी एलिमेंट आ जाता है. इमेजिन करो ना कल को यहाँ कोई आके हमारा प्लैनेट कंज्यूम करने लगा, हाउ टेरिफाइड वुड यू बी. एट द सेम टाइम वो जो बीइंग है उसमें वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं है कि उसको पता लगे कि यार मैं किसी को मार रहा हूँ तो गलत बात है, कोई मर जाएगा. ही डजंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ, उसका जो मॉरल कंपास है वो बड़ा डिफरेंट है हमसे. तो उसमें एक न्यूट्रलिटी भी मुझे चाहिए थी कि गाना बहुत ज्यादा हैप्पी भी ना हो, गाना बहुत ज्यादा सैड भी ना, ठीक है ना, एक न्यूट्रलिटी चाहिए थी. तो ये कॉन्सेप्ट था डूम्स एस्ट्रोनॉट का बेसिकली. इसी वजह से सिंस उसको स्पेस टाइप की थोड़ी सी फील लगी थी उसके शुरू में, मैंने सिंथ रखा हुआ है. यस, वो इसी तरह से अहमद भाई प्लेड द सिंथ और यू. नहीं, ये पांच गाने एल्बम के ऊपर उनके कीबोर्ड सारे अहमद भाई ने प्ले किए, कंपोज मैंने किए. लाइक आई मेड अ वीडियो एंड आई टोल्ड हिम कि यहां पे मुझे ये चाहिए, यहां पे मुझे ऐसे चाहिए. आपको सिंथ नहीं आता? यार नहीं, मुझे नहीं आता. और आने के अलावा मैं उसे प्रोग्राम कर सकता हूँ एक्चुअली, लेकिन मसला ये है कि सिंथ को प्रोग्राम करने के लिए ना यू नीड रियली गुड सॉफ्टवेयर, और मेरे पास वो नहीं है. और मेरी कोशिश होती है कि मैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना चलाऊं. वन ऑफ द मेन थिंग्स आई वांटेड टू आस्क कि मेकिंग अ इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ वोकल ओरिएंटेड एल्बम, एंड ऑल्सो इन द सेंस के स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि वॉइस ही वोकल्स होती है, वर्स कोरस ब्रिज इंट्रो आउट्रो होता है, लेकिन आपकी मैंने ये सुन आई थॉट विच सॉन्ग, लेकिन एक लीड मेलोडी प्ले हो रही थी रिपीटेडली इन वन ऑफ द सॉन्ग, एंड आई थॉट दिस माइट बी अ कोरस इंस्ट्रूमेंटल वे. आई वॉन्ट यू नो वट इज स्ट्रक्चरली हाउ डज इट इंस्ट्रूमेंटल एल्बम डिफर फ्रॉम वोकल ओरिएंटेड एल्बम. यार टेक्निकली स्पीकिंग इट डिफर्स इन सर्टेन वेज, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो आई बिलीव कि इट शुडंट. पता है उसकी वजह ये कि देखो मेरे ख्याल से ये मिस्टेक मैं भी कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं, ये है कि आप जब गिटार एल्बम बनाते हो ना तो यू बेसिकली टर्न दैट सॉन्ग इनटू अ 5 मिनट और 6 मिनट सोलो, ठीक है. मेरा मानना ये है कि सोलोज सिंस इतने ज्यादा मतलब वो फ्री फॉर्म होते हैं ना थोड़े से, उनमें इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू रिटेन इंटरेस्ट, स्पेशली अगर उसके साथ वीडियो कोई नहीं, आप तो सुन रहे हो. Yes. और एक बंदा बस बजाई जा रहा है रिपीटेडली, बस बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, एंड ही इज जंपिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, यू हैव नथिंग टू रिलेट विद. कुछ ऐसी चीज ही नहीं है गाने के साथ जो आपको जोड़ सके, आप कहोगे यार ये मेलेडी मुझे याद रही सुनने. तो मेरा हमेशा से ये होता है कि बेसिकली कोई एक मेलोडी तो गाने में ऐसी होनी चाहिए जो कि कोई बंदा भी ना अपने मुंह से गा, शुड बी लाइक अ वोकल लाइन, लेकिन बस वोकलिस्ट नहीं है, ठीक है. इट्स लाइक अ वोकल लाइन प्लेड ऑन द गिटार, हिज वॉइस जैसे वो जैसे वो शाहरुख खान का नहीं था, वो तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो आप गिटार पे भी बजा सकते हैं ना. तो वो है तो गाना, लेकिन उसकी मेलोडी आप गिटार पे भी बजा सकते हैं, व्हिच इज अ टेरिबल एग्जांपल आई नो, लेकिन something like that, something that you can sing with your voice, वो होना चाहिए something, क्योंकि वो लोगों को याद रहता है. और to be very honest, लोग तो चलो जैसे भी हैं, मतलब सुनते हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी, लेकिन point is मुझे भी मजा नहीं आता अगर मेरा music ऐसे है कि बस
ऊपर से नीचे बस मैं सोलो बजाई जा रहा हूँ, ठीक है ना. मसला बड़ा सिंपल मेरा जो है ना वो एक टेस्ट होता है गाने. मैं गाना बनाता हूँ फिर मैं उसको दो तीन चार दिन सुनता हूँ. अगर मुझे चार पांच दिन सुनने के बाद भी लगता है ना कि वो किसी काम का है तो फिर मैं उसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है. कभी कभी होता है कि मैं गाना बनाता हूँ दो तीन दिन मैं सुनता हूँ और मुझे फिर होता है कि यार इसके अंदर तो कोई रिकॉल है ही नहीं, मतलब देयर इज नो कोई रिटेनेबल इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब इसकी कोई रिडीमिंग क्वालिटी नहीं है गाने में. इट्स जस्ट कि ऊपर से नीचे सोलो बजाया है तेज तेज से बड़ी अच्छी बात. तो वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इवन दो वैसे अप्रोच डिफर करती है क्योंकि जब कोई गिटार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनाते हैं बहुत सारे ये करते हैं कि मैं बस दुनिया का दिखा दूं मुझे कितना गिटार आता है. मेरे ख्याल से दैट्स थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. वो फिर आप गाने नहीं बना रहे फिर आप एक किस्म की जिद लगा रहे हो. आई थिंक सो इट दैट माइट शो यू आर अ गुड गिटारिस्ट बट इट शोज यू आर अ बैड म्यूजिशियन वो बात. और ये बाय द वे जो आप बात कर रहे हो ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज गिटारिस्ट भी म्यूजिशियन ही होता है. सो इफ यू आर अ बैड म्यूजिशियन यू आर एसेंशियली अ बैड गिटारिस्ट, ठीक है ना. यू कुड जस्ट से कि यू आर स्किल्ड. आप ये कह सकते हो कि आप हाथ आपका चला हुआ बड़ी अच्छी बात है लेकिन वैसे आप फारिग हैं जो सच्ची बात है. स्ट्रक्चर की बात पता है कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में आप क्या इसके अंदर वो कहा था कि वर्स के ही पार्ट है फिर कॉरस के पार्ट है ये थोड़ा स्ट्रक्चर था या हाउ डज इट मेकिंग इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग वर्क ये बेसिकली. यार बेसिकली ये वेरी करता है गाने के ऊपर, ठीक है ना. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर आप गाने सुनो तो उनका एक किस्म का नहीं होता. कोई गाने जो है उनका बड़ा एक ऑर्केस्ट्रल सा एक गाने का इंट्रो है बड़ा ऑर्केस्ट्रल सा इंट्रो है उसके अंदर पहले वो स्ट्रिंग्स भी हैं पियानो भी है बड़ा कुछ है वहां से इंट्रो आता है उसका. वो जैसे डूम्स एस्ट्रोनॉट है उसकी बड़ी सिंथी सी इंट्रो है. ब्लू लेमिनेट बिल्कुल ही कुछ और है. एक गाना है उसके इंट्रो के अंदर वो मतलब अरेबिक परकशन टाइप की चीज बजी हुई उसमें. तो वो डिपेंड करता है गाना किस तरह का है, ठीक है ना. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहां तक मेन मेलोडी जो हुक वाली मेलोडी जिसको बोलते हैं ना वो बेसिकली वो मैं इस तरह से बनाता हूँ कि वो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई मेक बाय द वे. लाइक बड़े लोग जो होते हैं कहते हैं कि सीक्वेंस में गाना बनाएंगे पहले इंट्रो बनाएंगे फिर. नहीं 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 ये चक्कर नहीं है. सबसे पहले मैं गाने की जो मेन हुक होती है वो बनाता हूँ. वैसे इस गाने इस रूल का एक एक्सेप्शन है ब्लू लेमिनेट. ब्लू लेमिनेट का पहला पार्ट मैंने सब बट बाकी जो आठ गाने बाकी उनके अंदर मैं पहले सबसे पहले जो गाने का सो कॉल्ड कोरस होता है ना वो बनाता हूँ. और वो कोरस बेसिकली गाने का जो स्टोरी बोर्ड होता है या जो उसकी स्टोरी होती है बेसिकली उसकी लाइन पे मैं बनाता हूँ कि ये जो आइडिया है इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या मेलोडी बना सकता हूँ. वंस आई कम अप विद समथिंग कन्विंसिंग फिर उसके इर्द गिर्द गाने को स्ट्रक्चर करना कोई बात नहीं होती, बड़ा आराम से कोई मसला. तो ये जो मेलोडी बनानी होती है ना कि जिससे वो गाने का रीप्ले वैल्यू हो. हाँ एग्जैक्टली जिससे गाने का आइडिया एक्सप्रेस हो जाए वो असल में गेम होती है सारी. वो मुश्किल होता था क्योंकि वो सिचुएशनल होता है ना. मैंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया कि मैंने एक स्टोरी लिख ली है बस ये ही एक्सप्रेस करनी है. आई कांट जस्ट प्ले एनी गुड साउंडिंग मेलोडी यू नो. तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है. वो उसके अंदर बस आप आई नीड टू फाइंड दैट परफेक्ट मेलोडी. जब तक मुझे वो मिलती नहीं है मैं फंसा रहता हूँ. फिर जब एक दफा वो मेलोडी मिल जाती है तो बाकी तो फिर बहुत ईजी है. डोमिनो इफेक्ट हो जाता है फिर. यस एग्जैक्टली. उससे फिर यही होता है कि बस फिर आपको होता है कि बाकी तो जस्ट फॉल्स इन प्लेस. अब इसी तरह का अगर वर्स है आई वांट एन एक्सप्लोसिव ओपनिंग तो मैं थोड़ी सी एक रिफ डाल दूंगा एक छोटा सा सोलो बजा दूंगा फिर यही मेलोडी आ जाएगी जो मैंने बनाई हुई है. तो दैट्स हाफ द सॉन्ग डन. फिर कहीं पे एक मेन सोलो ले लूंगा फिर इस मेलोडी आई माइट प्ले ऑन इट आई माइट मेक एन अदर मेलोडी जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती हो. सो वो फिर ईजी हो जाता है. वंस आई हैव अ डायरेक्शन आई हैव अ गुड मेलोडी तो फिर गाना बनाना कोई मुश्किल काम. लेकिन वो मेलोडी कभी कभी नहीं आती. Very interesting. So, final question. What is in the future for Waqas Ahmed, the musician, the guitarist? Yaar, future mein ye hai ke I'm working on my next album already. Shuru kar diya kaam. Maine bataya tha doston ko to keh raha tha abhi se shuru kar diya. Maine kaha ha matlab aur kya kare. Abhi to nikali hai tune album phir shuru ho gaya. To probably 2020 probably nahi balki if everything stays in place inshallah to
2021 में आएगी. However, it will not be a full length album, it will be more like an EP. पांच गाने होंगे उसमें, पांच या चार गाने होंगे उसमें. और कोई सिंगल्स नहीं आ रहे इस दफा, तो इस दफा सीधी एल्बम आएगी. और एल्बम के बाद जो है प्ले थ्रू वीडियोस आएंगे, एल्बम से पहले कुछ भी नहीं आएगा. और I will probably be working with Sarmad भाई again, obviously. He's a legend. जबरदस्त है, मतलब मैंने बहुत सीखा है उनसे. उनसे इस पे भी, इस एल्बम पे काम किया था. बड़ी सिंपल केमिस्ट्री थी, मैं उनको बता देता था मुझे क्या चाहिए और वो, उन्हें पता था एग्जैक्टली किस तरह करना है. तो it was great. तो वो बैंड स्टफ, नो यार बैंड का मुश्किल ही सीन है यार. बैंड मतलब That's not really true. मैं ये नहीं कहूँगा कि I've grown out of playing in bands, क्योंकि ये काफी एक sweeping statement हो जाती है कि मैं never said band में never वाली बात आ गई है. हाँ, exactly. लेकिन you could say कि I've kind of grown out of playing with like bands which are not truly satisfying, you know? क्योंकि कभी-कभी हो जाता है ना वो, जैसे you get into a band, एक दो साल मजा आता है, फिर उसके बाद आपको होता है कि यार it's really not doing it for me anymore. और आपको होता है कि अच्छा चलो अब बना लिया है तो चलो लगे रहते हैं इसके साथ, you know, that kind of a thing. वो नहीं होता. हाँ, exactly. And honestly speaking, मैंने जब Alpha Cube भी छोड़ा था तो they were very upset, obviously नाराज थे मुझसे. और लेकिन मैं उनको यही बताना चाह रहा था कि भाई अच्छा शुक्र करो कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए भी नहीं अच्छा होता ना. हाँ, exactly. क्योंकि वरना मैंने ऐसी जो है वो एक half ass किस्म की जॉब करनी थी, और बिल्कुल मैंने like ना, my heart wouldn't be in it. मैंने चार और मैंने काम खोल लेने थे. मैं उनमें लग जाना था, बैंड ने सफर करना था, फिर मैंने यही ला रहे थे गाते ना, मेरे पास टाइम नहीं है. और फिर उन्होंने तंग आके वैसे ही निकाल देना था मुझे. तो मैंने उन्हें कहा शुक्र करो यार, मतलब शुक्र करो खुदा. और मजे की बात ये, बैंड तो मैंने छोड़ दिया लेकिन उनकी एल्बम मैंने करके दी है पूरी. You produced it or you played? प्रोडक्शन का तो मौका मुझे इतना मिला नहीं कोविड की वजह से. लेकिन मैंने उसमें सारा जो म्यूजिक है वो मैंने कंपोज किया, अरेंजमेंट सारी उसकी मैंने की हुई है. गिटार भी उनकी एल्बम पर बजाया है मैंने बैंड छोड़ने के बाद. और प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत किया है काम, थोड़ा सा प्रोडक्शन में काम किया है. अभी देखो कब आती है उनकी एल्बम, वहाँ पे जरा थोड़ा ढीले हुए हैं सारे, काम नहीं कर रहे. बट देन अगेन इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, मतलब इट्स नॉट माय बैड. उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत जरूरी है एल्बम रिकॉर्ड करना था, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द एल्बम. मैंने कहा यार कर देता हूँ, मैं करवा लें आप एल्बम रिकॉर्ड. तो वो भी आएगी, तो वो उसके अंदर जो है वो भी pretty much my work, usme music wagera sara maine hi kiya tha. Okay, thank you Bakasvi for your time, it was pleasure learning more about guitars with you and your all your work, and hopefully new music in the future as well. Hopefully yaar, zabardast maza aaya. Khuda hafiz. Thank you. Khuda hafiz.